आरपारे वरिष्ठ बीजेडी नेता दामोदर राउत शेष श्रद्धांजलि ज्ञापन करुछंती समस्ते विभिन्न वयस वर्गर लोके विभिन्न राजनेता विशिष्ट राजनेता दलमत निर्विशेषरे समस्ते छुटी आछंती तांका बासभवन को सेठारे शेष श्रद्धांजलि ज्ञापन करिछंती तापरे पार्थिव शरीर को निया जायथिला विधानसभा परिसर को सेठारे भी अंतिम श्रद्धांजलि जणाइथिले बहु नेतृवृंद ता सहित शंख भवन को निया जायछि मर शरीर को जेउठारे कि आउ किछि समय परे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शेष श्रद्धा सुमन अर्पण करिवे 83 वर्ष वयसरे आखि बुझिछंती वरिष्ठ राजनेता अभिज्ञ राजनेता दामोदर राउत आरपारे दामोदर राउत दामंक परलोक विभिन्न महलर शोकर छाया 83 वर्ष वयसरे आखि बुझिले दामोदर बासभवन में शेष दर्शन करिछंती विभिन्न वर्गर लोके जेतेबेले मर शरीर को निया विधानसभा अभिमुखे सेठारे विधानसभा गार्ड अफ अनर दिया जाइथिला एवं ता परवर्ती समय रे धीरे धीरे परिवेश आहुरी गंभीर होगला जेतेबेले शंख भवन को निया जाइछि मर शरीर सेठारे शेष दर्शन करुछंती विशिष्ट नेतृवृंद जो माने दामोदर राउत को चिन्हिछंती जाणिछंती पाखरु मिसिबार सुजोग पाइछंती वरिष्ठ सहयोगी सहित जो माने काम करिबार सुजोग पाइछंती बिजु पटनायक समय रु नवीन पटनायक पर्यंत समस्ते झुरुछंती वर्तमान में काम को मन पकाउछंती सहित बिताई से मुहूर्त को मन पकाउछंती शेष श्रद्धांजलि जणाउछंती दलीय नेता सात थर विधायक से होइछंती सात थरर विधायक से होइछंती एवं एही सात थरर विधायकत्व भितरे सातटी गुरुत्वपूर्ण विभाग मंत्री पदवी से सुचारू रूपे तुलाइछंती विशेषकर मत्स्य एवं प्राणी संपद विभाग कृषि और पंचायतराज विभाग ता सहित नारी सशक्तिकरण विभाग ता सहित स्वास्थ्य विभाग एमती गुरुत्वपूर्ण पद पदवी से रही मंत्री पद दायित्व संभाळिछंती ओडिशा राजनीति में एक अपूरणीय क्षति बोली बयान करिछंती विशिष्ट नेता माने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रतिक्रिया रखिछंती ट्वीट करी वर्तमान में शोक व्यक्त करिछंती अमर आत्मार सद्गति कामना केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अमर आत्मार सद्गति कामना करने शोक संतप्त परिवार वर्गों प्रति संवेदना ज्ञापन करिछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शोक व्यक्त करिछंती वरिष्ठ नेता दामोदर राउत वियोग शोक व्यक्त करिछंती मंत्री भाव एकाधिक थर सहित भेटबार सुजोग राज्य तथा देश प्रगति में अवदान मन रही अमर आत्मार सद्गति कामना करिछंती राष्ट्रपति मर शरीर को नियाजाइछि बासभवन सीधासलख नियाजाइथिला आसेंबली अभिमुखे विधानसभा अभिमुखे एवं सेठारे शेष श्रद्धांजलि ज्ञापन करिबा सह जो कर्मचारी माने अछंती शेष श्रद्धांजलि ज्ञापन करिबा सह शंख भवन को नियाजाइछि मर शरीर जोठारे मुख्यमंत्री शेष दर्शन करिबे शेष श्रद्धांजलि ज्ञापन करिबे मुख्यमंत्री सेथिपाई समस्त प्रस्तुति करा जाइछि एवं धीरे धीरे गहळी बढ़िबार लागिछि धीरे धीरे अधिक संख्या रे लोक समवेत हेबार लागिछंती धीरे धीरे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट अच्छी ताको सुनिश्चित करागला जेहेतु मुख्यमंत्री आसीबार कार्यक्रम रही परवर्ती समय रे जहाँ सूचना अच्छी परवर्ती समय रे तांकर निर्वाचन मंडली को मर शरीर को निठार निर्वाचन मंडल मर शरीर को अंतिम दर्शन कर सारापर शोभायात्रा हुए तो मर शरीर को पूरी स्वर्गद्वार अभिमुखे अणा सेठे शेषकृत्य संपन्न करे कि लोकहितकर कार्य स्मरणीय कर रखी वर्षिया नेता मैंने दामोदर देहांत गोटे जुगर अवसान बोली समस्ते अभिहित कर 1977 रु 2019 पर्यंत जमी भाव जगत सिंहपुर जिलार मुख्यतः तीनोटी निर्वाचन मंडली चलचंचल होता जदि देखा तीनोटी निर्वाचन मंडली भितर एरसमा पारादीप और कुजक निर्वाचन मंडली ये तीनोटी निर्वाचन मंडल सक्रिय भूमिका सामना को आसी तृणमूल स्तर में तुंग नेता हिसाब से तृणमूल स्तर में प्रत्येक कर्मी सहित से मिशुते प्रत्येक लोकों सहित मिशुते जनमानस व्यक्ति हिसाब से परिगणित होते से सामान संवर्धना सामान से उच्छसित संवर्धना देखा मिलला से ही लोक मान कुजंगवासी को देखा मिलला जिते बड़े पुओ सम्बित राउतराय शोभायात्रा जिते सभा आयोजन करते सेठे पहुंची थे दामोदर राउत और सेठे व्हील चेयर में पहुंची से उच्छ संवर्धना ग्रहण करते से लोकप्रियता बारी हो पड़ा आपण मैं किसी दृश्य देखा विभिन्न वर्गर लोके जो माने जानिछंती चिन्हिछंती विभिन्न वर्गर लोके दलमत निर्विशेष समस्ते पहुंची जाउछंती शेष दर्शन करने जड़े एमती व्यक्तित्व ओडिशा राजनीतिर गोटे लंबा और चर्चित अध्याय हिसाब से परिगणना करा जाए बिजु बाबू घनिष्ठ सहयोगी से बिजु बाबू लिगाशेष बड़े क्यारि करती बिजु बाबू से राजनीति को पाद देले बोली समस्त मत रही
जेतेबेले भेटनारी डॉक्टर हिसाब से निजर प्रोफेशनल कैरियर को आगो को नेउथिले सेतेबेले तांकर छात्र राजनीति रे भी सक्रियता थिला किंतु परवर्ती समय रे बिजू पटनायक कि ही तांकु राजनीति रे प्रवेश करबाकु सुजोग देथिले एवं सेही सुजोग एमिति गोटे सुजोग थिला माइल्स खुंट होई जायथिला तांकर करियर बिल्डअप करिपारे तांकर करियर को बढ़े बारे राजनीति क्षेत्र रे एवं 1977 रु से पछ को फेरी देखि रहंती 1977 रु 1995 पर्यंत लगातार से विधायक भाव निर्वाचित होती ता परवर्ती समय 1995 तांको पराजय मुह देखा पड़ा किंतु तापरे से आउ ब्रेक नहीं ना 2019 पर्यंत लगातार पुणी विधायक रहिले अवश्य या भीतर निर्वाचन मंडली बदली एरसमा पारादीप निर्वाचन मंडली बदली तबे आमे निक अधिक आलोचना को आगू को नेबा वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू अच्छा मस्त फोन लाइन रे सुक्त साहू गोटे जुगर अंतहरा बोली कहि पारि बाकी बीजेडी पई जते बड़ धक्का पूरा राज्य राजनीति पई सेते बड़ धक्का एक वर्तमान रे देखंतु जते बले आमे डॉक्टर दामोदर राउत कर माने जीवन को आमे चर्चा को नबा केवल तंकर राजनीतिक व्यक्तित्व को जदि आमे तक व्यक्तित्व राजनीतिक दिग को जदि आमे आलोचना करबा ताहले किछि कम रहि जइबो डॉक्टर दामोदर राउत केवल जन राजनैतिक व्यक्ति नथिले से जने सामाजिक सांस्कृतिक गोटे सामाजिक सांस्कृतिक गोटे बिरादरी सहित जड़ित थिबा जने व्यक्ति थिले एवं से जने बड़ रिसोर्स पर्सन भी थिले तो डॉक्टर दामोदर राउत जीवनी को जदि आपण देखिबे बहुत कष्ट करिके से पाठ पढ़िले तापर से आपणकर जने पशु डाक्टर भाव क्यारियर आरंभ कले कि पशु डाक्टर सीधा सड़क से राजनीति को आसिले तो से देखिए यहाँ बहुत कम अन्य ट्रेड रु आसी व्यक्ति राजनीति में सक्सेस हाँ जो मैंने बेसिकली आम जाने जे ह्यूमानिटीज सब्जेक्ट पढ़ी था से मैंने प्रायत बे सक्सेसफुल होता कारण संविधान बेस ज्ञान थाए इतिहास बेस ज्ञान थाए राजनीति बेस ज्ञान थाए अर्थनीति बेस ज्ञान थाए किंतु जड़े डाक्तरी पेशारु सीधा जड़क राजनीति को आसवा आसिक राजनीतिर प्रत्येक जो आपण कहते पंक्ति को भल भाव पीज बार व्यक्तित्व ये थे से संविधान कहतु कि विधानसभा जितेबाला आम जो पुस्तिका अच्छी जोटा मार्गदर्शिका कहते रूल्स अफ प्रोसीजर अफ ओडा लेजिस्लेट आसेंब्ली तार प्रत्येक धारा को सी भल भाव मुखस्त करते आवश्यक हुए से उदाहरण रखिकी कहते एवं तापर आप देखिए जे से आपणकर हिस्ट्री कहतु जियोग्राफी कहतु एग्रीकल्चर कहतु साइंस कहतु प्रत्येक विषय अगाध पांडित्य जी गोटे सेन्टेन्स कहे वाज ए लिविंग एनसाइक्लोपीडिया अर्थात मुहर सबकिशार सबकि ज्ञान ही आपड़ जदि कौन गोटे डाकि कृषि उपर कौन गोटे सेमिनार को वर्कशप डाकि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वर्तमान पहुंची सारी सीधासल दृश्य देखु शंख भवन में वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहुंची सारी मुख्यमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे शेष श्रद्धांजलि ज्ञापन करेंगे सत्यजित आम सहयोगी अच्छा सत्यजित दृश्य आम देखिपु जमी मुख्यमंत्री वर्तमान किसम पूर्व ट्वीट करते वर्तमान पहुंची सारी शंख भवन में मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि अर्पण करने गत काली जो से मेडिकल भल भर्ती होते जो गुरुतर कथा होता मुख्यमंत्री आशुआर कामना करते स्वास्थ्य अवस्था नहीं कि गोटे प्रकार चिंतित हो पड़ता एक्स पोस्ट जन आज देखिए जो देहांत है सांगे सांगे मुख्यमंत्री को शोक बार्ता बर्तमान आप चित्र देखुं श्रद्धांजलि जोड़ाई बर्तमान मुख्यमंत्री शंख भवन में पहुंची शेष दर्शन करने पहुंची बर्तमान शेष दर्शन करुं जहाँ चित्र देखुं शेष दर्शन मुख्यमंत्री करुं सहित श्रद्धांजलि जनाऊँ ये हूँ शंख भवन परिसर चित्र आप देख सीधा सड़क जो शंख भवन परिसर में वर्तमान मुख्यमंत्री शेष दर्शन कर स्वर्गत दामोदर राउत को शेष दर्शन कर चित्र आपण देखुं सीधा सड़क चित्र बर्तमान शेष दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पण पर वर्तमान आप देखिए जे सी बर्तमान मुख्यमंत्री
शेष दर्शन सारी बर्तमान फेर अर्थात आम कहीपर जे बर्तमान शंख बल कार्य शेष हो मुख्यमंत्री बर्तमान शेष दर्शन कर बाहर शखभवन परिसर बाहर जार चित्र देखुं गोटे कथा हूँ आज सका देखिए जे कि भाव में सब नेता एवं विभिन्न दल नेता वरिष्ठ नेता मंत्री मैंने पहुंची थे शेष दर्शन करते मुख्यमंत्री को अपेक्षा रही है सी शेष दर्शन करते गत कालीठ आप देखिए जे मुख्यमंत्री गोटे चिंतित होता स्वास्थ्यवस्था को लेकिन कहते जी आप देखिए जितेबाला मुख्यमंत्री समय जो अनेक दाम राउत समय अनेक समय सी अनेक गुरुत्वपूर्ण विभाग दायित्व निभाई अनेक गुरुत्वपूर्ण विभाग में कार्य कर मुख्यमंत्री सहित कार्य कर रक्त उत्तर थिला बिल्कुल एवं जेतेबेले आमे कार्यकाल कथा कहुचे बिजू पटनायक सहित कार्य करिछंती ता परवर्ती समय रे पुओ नवीन पटनायक सहित कार्य करिछंती दामोदर राउत को जेतेबेले आमे पितामह हिसाब रे वर्णना करूचे तांका वर्तमान रे मन रे दुख रहिबाटा स्वाभाविक एवं पूर्वरु जेतेबेले गतकाली मुख्यमंत्री खबर सुनिथिले कि तांकर ब्रेन डेड होईचि बोली डाक्टर घोषणा करथिबा कथा समित राउत राय कहिथिले सेतेबेले मध्य एक कथा कहिथिले कि आशा करूछि से खूब जल्दी भल हो जातु आशु आरोग्य कामना करते आज जिते परलोक गमन खबर सामना को आसला से मुख्यमंत्री ट्वीट कर शोक व्यक्त करते शोक संतप्त परिवार वर्गों प्रति शेष श्रद्धांजलि ज्ञापन करते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो आखिर लुह ता वर्तमान स्पष्ट भाव में जमापड़ जा मुख्यमंत्री शेष दर्शन करके पार्टी अध्यक्ष बीके पांड्यान उपस्थित थे शेष श्रद्धांजलि ज्ञापन कर शरीर को प्रस्तुत निर्वाचन मंडली अभिमुखे निशेष प्रस्तुति तेरे एक क्रम वर्तमान सत्यजित आमर सीधासलख अच्छा प्रतिनिधि शख भवन में सत्यजित टी आप जानवाक चाहिए वर्तमान कार्यसूची नहीं कि जमापड़े यूं मोर शरीर कुआ जी पार्थिव शरीर सीधा सड़क शख शख बबल बाहरी जे बर्तमान पारादीप एरसीमा ये अंचल बर्तमान बाहर पार्थिव शरीर और बर्तमान पर समस्ते जेहेतु श्रद्धाजलि दूसरी यापर सीधा सड़क यूँ पार्थिव शरीर बर्तमान बाहर अल्प समय मध्य शख भवन पार्थिव शरीर बाहर वरिष्ठ बीजेडी नेता प्रसन्न पाठशाणी श्रद्धाजलि जनाऊँ से जी आप देखिए शेष दर्शन कर परिस्थिति में देखा जो कौटना कौटी आम देखा जीवन टा पूरा अंधार लगुचे बोल सब भल ना कि मन लगे घर पूरा खाली लगुच जीवन पूरा खाली लगुच अंधार लगुच लोक मुझे पाइबे जीवन कौन शिक्षा लाभ कर सही कह लोक सहित रहा लोक सा लोक धोखा दबानी से मेन लोक जिते बड़े चाहिए लोक सहित रे लोक जिते दरकार कर अज्ञा जेजे आशीर्वाद रोब मुझे जेजे भाला कम कर लोक यहाँ मतलब बहुत इच्छा मन अच्छे मो छोट बेल धरती मो संगे के फटो मतलब बुलाते नुआ मिनिस्टर गोटे गोटे पद जो हम मिनिस्टर हमें मतलब गाड़ी में नहीं बुलाते बाहर को मैंने जाती एरिया नहीं जाती लोक मैंने पाखे बसाती छोटा ही साइड बस मीटिंग करें ये सब मन अच्छे नुआ गाड़ी किणाई जेजे गोटे नुआ गाड़ी किणाई जेजे आसे बस सी केमती गाड़ी किणा से देखते बट जो देखते मो खुशी भी बहुत बड़े खुशी हूँ एंड मुझे जो नुआ गाड़ी किणी सी ये हुए जानते बट मुझे जो कि मो इच्छा आसी से खुशी जमी आस गाड़ी रोते ये मोटा बहुत मोटा बहुत भल।
ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ନାତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ରହିଥିଲା ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ପରିସରରୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ପାରାଦୀପ ଅଭିମୁଖେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଜଗତସିଂହପୁର ଅଭିମୁଖେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ବାହାରିବ ଏଠୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ପରିସରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ବାହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ବାକି ରହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ସିଧାସଳଖ ଏଠୁ ବାହାରିବ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ବାହାରିବ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ଅଭିମୁଖେ ଯିବ ପାରାଦୀପ ପୂଜକ ଏରସମା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର କଣାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇ ସକାଳୁ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛି ପାରାଦୀପ ଅଭିମୁଖେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଯେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରାଯାଉଛି ପାରାଦୀପ ଅଭିମୁଖେ ପାରାଦୀପର ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପାରାଦୀପ କୁଜଙ୍ଗ ଏରସମା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ରଖାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଅଣାଯିବ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ମଧ୍ୟ ଯାହା ତାଙ୍କର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ପରିସରରୁ ଚିତ୍ରରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ପରିସରରୁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପାରାଦୀପ ଅଭିମୁଖେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ବାହାରିଲା ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଯାହାର ଚିତ୍ର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ସ୍ମୃତି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଣୀ ଥିଲେ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ଥିଲେ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଜୈନ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ଏଭଳି ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ପରିସରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଯାଉଛି ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନରୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦୀପ ଅଭିମୁଖେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟି ଅଭିମୁଖେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରଥ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ପୁଷ୍ପରେ ମାଧ୍ୟମରେ ସଜାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦୀପ ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପାରାଦୀପ ଭୁଜଙ୍ଗ ଏରସମା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଠିକୁ ନିଆଯିବ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ନିଆଯିବ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିଲେ ରାଜନୀତିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସାତ ଥର ବିଧାୟକ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଲୋକ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେଇ ଦାମ ଭାଇକୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବିଲକୁଲ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ସତ୍ୟଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ସମସ୍ତେ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରଥ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ପାରାଦୀପ ଅଭିମୁଖେ ପାରାଦୀପରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭିତରେ ସେ କୋହୁ ରହୁଛି କି ସେମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ ପାଇବେ ନାହିଁ।